मेरा नाम है सूरज और मैं ले चलता हूँ आपको बनाते हैं ये इस मूवी में, और उसको बचपन लैब में बंद करके रखते हैं वे, और वो बचपन में ही उस लैब से भाग जाती है। लैब तोड़ ताड़ के कैसे ना कैसे करके वो भाग जाती है, और वो जब बड़ी हो जाती है फिर शुरू होती है मूवी में इंटरेस्ट। देखना जरूर मूवी में ये बड़ी होके क्या करती है, किस किस की ऐसी तैसी करती है। बहुत ही अच्छी मूवी है और IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग। नंबर 9 मिमिक। ये मूवी रिलीज की गई थी अगस्त 1997 में, और इस मूवी के 3 पार्ट आ चुके हैं, मिमिक 1, मिमिक 2 और लास्ट पार्ट जो कि 2003 रिलीज किया गया था। और इस मूवी में दिखाया गया है कि पूरे शहर में बच्चे बीमारी का शिकार हो जाते हैं और इस बीमारी का इलाज भी नहीं होता है। फिर डॉक्टर सुजन एक कीड़े को बनाती है जो कॉकरोचों को जान से मार देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बीमारी कॉकरोचों से ही फैल रही है। उस कीड़े को बनाते हैं, कीड़े को वहां पे छोड़ देते हैं गटर वगैरह में, तो वहां से सारे कॉकरोच मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मरते ही बीमारी भी खत्म हो जाती है। तो 3 साल बाद वे उस कीड़े को तो भूल गए, वहाँ पर छोड़ दिया, उन्हें नहीं पता था ये कीड़ा उनकी मुसीबत बन जाएगा फ्यूचर में। 3 साल बाद वो कीड़ा बड़ा हो जाता है हमारे जितना और इंसानों को खाना मारना शुरू कर देता है। तो देखना जरूर ये मूवी भी, ये मूवी भी आपके लिए है। और IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग। नंबर 8 इंडिपेंडेंस डे। ये मूवी रिलीज की गई थी 1996 में, और इस मूवी का सेकंड पार्ट 2016 में रिलीज किया गया था, इंडिपेंडेंस डे रिसर्जेंस। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे विल स्मिथ, बिल पुलमैन, विवेका ए फॉक्स एटसेट्रा। मूवी में दिखाया गया है कि एक एलियन स्पेसशिप जो कि मून से सीधा अर्थ पर आ रहा है, और वो अर्थ पर पहुंच भी जाता है और अर्थ पर पहुंच कर अर्थ पर अटैक कर देता है। अर्थ पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है जब ये एलियन स्पेसशिप अर्थ पर हमला कर देता है। बाकी की स्टोरी जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी कि जीत किसकी होती है, हम ह्यूमंस की या एलियंस की। तो देखना जरूर ये मूवी, और इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.0 की रेटिंग। नंबर 7 स्टारगेट। ये मूवी रिलीज की गई थी 1994 में। इस मूवी के मेन लीड में है जेम्स स्पेड्स जो कि एक प्रोफेसर है, और दूसरा कर्ट रूसल जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। ये सब साथ मिलकर एक स्टारगेट खोलते हैं और उस स्टारगेट की मदद से दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के, ये प्लेनेट कैसा है, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर वगैरह वगैरह। और वहां पर जाकर ये फंस जाते हैं, एक एलियन स्पेसशिप वहां पर उतरता है और उन सबको मारने की धमकी देता है, साथ ही साथ अर्थ को भी तबाह करने की धमकी देता है। बाकी की स्टोरी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। और IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग। रिलीज की गई थी 1997 में, और इस मूवी के अब तक 4 पार्ट आ चुके हैं, MIB 1, MIB 2, MIB 3 और MIB International जो कि 2019 में आया है, यानी कि इसी साल रिलीज की गई है। और इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 7.3 की रेटिंग। तो देखना जरूर। टोटल रिकॉल। ये मूवी 1990 में रिलीज की गई थी, और इस मूवी में आपको मेन लीड में देखने को मिलेंगे आर्नोल्ड स्वार्ज़नेगर, शैरन स्टोन, रेचल एटसेट्रा। और आर्नोल्ड का इस मूवी में बहुत ही अच्छा रोल दिखाया गया है। स्टोरी यह है कि फ्यूचर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसकी वजह से आप मार्स, जुपिटर और इन सब प्लैनेट का एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपके ब्रेन में एक मेमोरी डाली जाएगी जिस वजह से आप इन चीजों का एक्सपीरियंस कर सकते हो, ऐसा कुछ दिखाया है इस मूवी में। पर सारी प्रॉब्लम इसी कारण से शुरू होती है जब आर्नोल्ड ये एक्सपीरियंस करता है, जब उसके ब्रेन में गलत मेमोरी डाल दी जाती है और कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं, और वे लोग कौन हैं, आर्नोल्ड को क्यों मारना चाहते हैं, क्या वे एलियन हैं। तो देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, और इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग। ये आवाज आई तो समझना चिप मिल गई। नंबर 4 डार्क सिटी। ये मूवी 27 फरवरी 1997 में रिलीज की गई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था एलेक्स प्रोयास ने, और मेन लीड पर है जेनिफर कॉलोनी, रूफस एवेल एटसेट्रा। तो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि जॉन नाम का एक बंदा होता है जो कि होटल में उठता है, और वो देखता है कि उसको कुछ याद नहीं आ रहा है, और वो कौन है, यहाँ क्या कर रहा है। कहने का मतलब है उसकी याददाश्त किसी ने इरेज कर दिया, बिल्कुल उसे कुछ याद नहीं है। और अब उस पर एक मर्डर का इल्जाम भी लग चुका है पूरे शहर
शहर में पुलिस उसके पीछे है और एक एलियन ग्रुप जो कि अपने आप द स्ट्रेंजर कहती है जो कि पूरी सिटी को कंट्रोल कर रही है वो भी इसके पीछे है। ये सब थ्रिल और सस्पेंस बरकरार रखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग, तो देखना जरूर। नंबर 3 द फिफ्थ एलिमेंट। ये मूवी रिलीज की गई थी 1997 में जो कि एक्शन एडवेंचर और साइफाई मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था लुक बिकन ने। और इस मूवी में आप सभी को खतरनाक एक्टर देखने को मिलेंगे जैसे कि ब्रूस विलियस, मिला जोवोविच, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस गैरी ओल्डमैन एटसेट्रा। इस मूवी में भी आप सभी को एलियन से रिलेटेड बहुत कुछ देखने को मिलेगा और इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.7 की रेटिंग, तो देखना जरूर दोस्तों ये मूवी भी आप। नंबर 2 प्रीडेटर। ये मूवी रिलीज की गई थी 1987 में जो कि एक ऑसम मूवी है और इस मूवी में भी आपको आर्नोल्ड स्क्वार्ज़नेगर देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं मूवी की स्टोरी में। आर्नोल्ड और उसकी टीम एक मिशन पर जाती है जो कि एक होस्टेज ग्रुप को छुड़ाना होता है उनको सेंट्रल सिटी में। लेकिन मुसीबत तो तब शुरू हो जाती है जब एक एलियन उन सबको टारगेट बनाकर एक एक को मारना शुरू कर देता है। अब देखना यह है कि ये सब कैसे सरवाइव करते हैं उस एलियन से। और इस मूवी के टोटल 2 पार्ट है। सेकंड पार्ट 1990 में रिलीज किया गया था और 2 सीक्वल भी बन चुके हैं इस मूवी के ऊपर, जो कि पहला सीक्वल प्रीडेटर्स था जो कि 2010 में रिलीज किया गया था और सेकंड सीक्वल द प्रीडेटर जो कि 2018 में आया था। तो अब आप कहोगे कि इन चारों पार्ट में से मस्त कौन सा है? तो भाइयों